तो प्राकृतिक आपदा है और इस प्राकृतिक आपदा में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने देश के तमाम नागरिकों से जो आह्वान किया कि 22 तारीख को हम लोग जो है स्वतः अपने लिए कर्फ्यू लगाएंगे, उनके इस आह्वान को देश के एक एक नागरिक ने हृदय से स्वीकार किया है और उनके इस फैसले का सम्मान में पूरा देश सहित पूरा झारखंड और झारखंड से धनबाद वासेपुर के लोगों ने भी इस बंदी में पुरजोर समर्थन दिया है और उनके इन आह्वान को दिल से स्वीकारते हुए उनको समर्थन दिया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या कुछ बताएंगे धनबाद के लोगों को? देखिए, कोरोना वायरस निश्चित रूप से छुआछूत वायरस नहीं है, एक्चुअल में एक प्राकृतिक आपदा है जिससे लोगों को बचना चाहिए। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और देश के विद्वानों ने भी बताया है कि आप जो है मैन टू मैन गैदरिंग मत कीजिए, दूरी बनाए रखिए, हैंडशेक मत कीजिए, हैंडशेक के जगह पर जो है हाथ जोड़ करके एक दूसरे का अभिनंदन अभिवादन कीजिए और साफ सफाई रखिए, खान पान में भी साफ सफाई रखिए, अपने और अपने परिवार को बीच में भी साफ सफाई को महत्व दें और साबुन से जिस वक्त भी आप कुछ खाने का व्यवस्था करें या माने खाने की इच्छा करती है तो आप साबुन से हाथ को धो करके ही खाएं और दूसरों को भी जो है जागरूक करें इन सारी चीज़ों के लिए। तो नाम बता दीजिए। मोहम्मद मुर्तजा। और धनबाद में भी देखने को मिल रहा है आप दुकानदारों को द्वारा दुकान बंद किया गया, क्या कुछ असर है? बहुत बढ़िया असर है, लोगों के अंदर बहुत बढ़िया जागरूकता है, जो पूरे धनबाद के जितने भी आवाम हैं सारे लोग मिलजुल कर करके प्रधानमंत्री का साथ दे रहे हैं और देश के हित में ही जो है ये कदम उठाया गया है जो कि मतलब कोरोना को भगाना है हम लोग को सबको मिल कर करके। और जितने भी धनबाद के दुकानदार हैं कारोबारी हैं सबकी आज दुकान बंद है, सब लोग अपने अपने घर में हैं जो कि मतलब इस बीमारी से निजात मिल सके। धनबाद में कितना कुछ कोरोना का क्या कुछ असर देखने को मिला है अब तक? अभी तक तो कोई असर नहीं मिला है और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि आगे भी ऐसा कोई वायरस जो है धनबाद में नहीं मिले। ना नाम बता दीजिए। मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ मिल्टू।